goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप सभी का आप देख रहे गुड मॉर्निंग न्यूज और मैं हूँ त्रिशा। लोजपा के बाहर होने के बाद बनी नई परिस्थिति में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार के अपने उम्मीदवारों पर मुहर लगा दी। आपको बता दें, जेडीयू के साथ हुए समझौता के बाद भाजपा 121 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोजपा के बाहर जाने और हम के साथ आने के बाद संशोधन हो सकता है। पहले चर्चा ये थी कि हमको जेडीयू कोटे की सीटों से ही हिस्सेदारी दी जाएगी। रविवार को भाजपा चुनाव समिति की बैठक देर रात शुरू हुई। इसमें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, संगठन महामंत्री नागेंद्र जी शामिल हुए। सीटों के साथ साथ समिति ने उम्मीदवारों के नाम भी तय कर दिए। संभावना है कि उम्मीदवारों के नाम सोमवार को घोषित हो जाएंगे। बताते चले, इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह रविवार को भाजपा में शामिल हो गई। पार्टी नेता भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में श्रेयसी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद श्रेयसी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात की। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। गुड मॉर्निंग न्यूज.in जो आपको रखे सबसे आगे।